नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी को भला कौन भूल सकता है। हजारों लोगों की इसमें मौत हुई थी और उसका दंश लोग सदियों बाद भी झेल रहे हैं। कई ऐसी पीढ़ियां आई हैं जिसमें उसका असर देखा गया है। और अब चूंकि फिल्मों का दौर है, वेब सीरीज का दौर है, डॉक्यूमेंट्रीज का दौर है, तो भोपाल गैस त्रासदी पर भी अब एक वेब सीरीज बनने जा रही है। यशराज फिल्म्स इसको बनाएगा। इसका बाकायदा ऑफिशियल ऐलान भी कर दिया गया है। 2 और 3 दिसंबर 1984 को यह पूरा हादसा हुआ था और साल 2021 में इस पूरे हादसे को 37 साल हो गए हैं। 37 साल बाद इस पर वेब सीरीज बनने जा रही है जिसका नाम होगा द रेलवे मैन। और इसमें एक नहीं बल्कि 4-4 एक्टर्स होंगे। आपको बता दें, इरफान खान के बेटे बाबिल खान को इसमें लिया जा रहा है। बाबिल के अलावा आर माधवन, के मेनन और मिर्जापुर फेम दिवेंदु जैसे स्टार्स भी इसमें नजर आएंगे। ठीक एक साल बाद यानी कि 2 दिसंबर 2022 को इस वेब सीरीज को रिलीज किया जाएगा। द रेलवे मैन का डायरेक्शन डेब्यू डायरेक्टर शिव रवेल करेंगे और ये वेब सीरीज बताया जा रहा है कि ग्रैंड स्तर पर बनाई जाएगी। ये उन लोगों के लिए एक ट्रिब्यूट होगा जिन्होंने लोगों को बचाने का काम किया था, जिन्होंने उस दौर में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़े स्तर पर वेब सीरीज बनेगी और बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट करने का काम करेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे को जनता के सामने पेश करना, दिखाना उस त्रासदी में जो भी विभत्स चीजें हुई थी, मतलब आप सोचिए, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं उस वक्त पे इस तरीके से हाहाकार मचा था, उसको पर्दे पर उतारना अपने आप में बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये उन तमाम लोगों की आत्मा को छुएगा, उन लोगों की भावनाओं को छुएगा जो इस त्रासदी के शिकार हुए थे या फिर जिनके पूर्वज, जिनके जो पेरेंट्स थे, जिनके रिश्तेदार इस त्रासदी का शिकार हुए थे। आपको बता दें, इस दर्दनाक हादसे को लेकर साल 2014 में भोपाल अ प्रेयर ऑफ रेन भी बनी थी। यशराज बैनर तले बनने वाली इस वेब सीरीज को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? कि आपको लगता है कि यशराज बैनर इस वेब सीरीज के साथ वो चीज दिखा पाएगा जो 1984 में हुई थी, और कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं आपको इस वेब सीरीज से? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिए।